एवरीवन, आज से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो आज डेट देख लेते हैं, आज डेट क्या है। आज डेट है 7th of September, ठीक है। आज से हम अपना करंट अफेयर डेली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बटन मूव करने से पहले आज देख लेते हैं कि आज जन्माष्टमी है काफ़ी स्टेट्स में। कल सेलिब्रेट हो चुके हैं बट काफ़ी स्टेट में आज मनाई जा रही है। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, ठीक है। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा कि लेक्चर कैसे कैसे आगे फर्दर मूव करेगा। तो सबसे पहले हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 6 की पॉइंट्स हैं। उनको हम पहले ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, फिर ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट G20 इनवाइट। G20 का जो इनवाइट भेजा गया है उसमें भारत लिख के भेजा गया है। अब ये किसने कैसे क्यों किसको भेजा है ये अभी पढ़ेंगे। और जो टॉक्सिक फॉर्म्स अपीयर्स नियर स्ट्रीट पर हैवी रेनफॉल के बाद हैदराबाद के अंदर, ये किस वजह से फॉर्म हुई हैं ये भी देखेंगे। न्यू 3D इमेज ऑफ मून सरफेस रिलीज बाय इसरो। इसरो ने न्यू 3D इमेज रिलीज करी है मून की सरफेस की, ठीक है। और डेलीगेट्स ऑफ G20 समिट टू बी सर्व्ड इन सिल्वर वेयर और गोल्ड यूटेंसिल्स। गोल्ड यूटेंसिल्स और सिल्वर वेयर के अंदर जो फूड है वो G20 के डेलीगेट्स को सर्व किया जाएगा, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास जापान का मून स्नाइपर जो मिशन है वो लॉन्च होगा आज के दिन 7th of September को, ठीक है। और फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल क्रिएटेड विदाउट स्पर्म और एग। स्पर्म और एग के बिना जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो है वो क्रिएट करा गया है। कौन सी कंट्री ने क्रिएट कराया है अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि G20 क्या है। तो G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 पावरफुल कंट्रीज है, जिसमें हमारी आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इटली, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, जापान, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। ये सारी कंट्रीज G20 के अंदर आ जाती हैं। और इसका कंट्रोल जो है 75% फॉरेन ट्रेड यही सारी कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। और 60% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की भी यही सारी कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। इवन 85% ऑफ GDP इन्हीं कंट्रीज की वजह से आता है। एवरी ईयर जो प्रेसिडेंसी होती है G20 की वो सर्कुलेट करती है अमंग कंट्रीज। इस बार जो है वो हैंड ओवर हुई है इंडिया के पास, इसलिए हमारे पास ये G20 हम इन्विटेशन भेज रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी है। और 19 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग इंडिया विल डिस्कस ऑन मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज लाइक टैक्सेस, सब्सिडीज, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एंटी टेररिज्म एक्सेट्रा। ये सारे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज जो कि मेजर हैं इन पे ही डिस्कस होता है G20 की मीटिंग में, ठीक है। इंडिया की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी G20 की वो हुई थी उदयपुर में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में एक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर और वो उदयपुर में है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस बात का याद रखना है हमको कि उदयपुर में हुई थी मीटिंग। तो हमारी जो इंडिया है वो होस्ट करेगी 200 मीटिंग्स होस्ट करेगी 50 सिटीज़ के अंदर और 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स के बारे में, ठीक है। हमने ये देख लिया, अब हम अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ क्या थी हमारी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट्स G20 इनवाइट फ्रॉम भारत स्पार्क्स ड्रोन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इमेज लगाई हुई है यहाँ पे। ये हमारी इनविटेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजे गए बाकी सारी कंट्रीज को, G20 में जो भी आती है कंट्रीज, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यूजुअली यहाँ पे इंडिया लिखा जाता है, कोई भी इन्विटेशन कहीं पर भी भेजते हैं या फिर कहीं पर भी किसी भी चीज़ के बारे में बात होती है तो इंडिया लिखा जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ऑफिशियल हमारा कुछ बाहर गया है इन्विटेशन के तौर पर और उसमें हमने भारत लिखा हुआ है। इस वजह से ज़्यादातर सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स हैं वो सारे इन फेवर में नहीं है, पर BJP के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को चेयर करा है।
और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैलाई जा रही हैं कि ये जो हमारी इंडिया का ऑफिशियल इंडिया नेम है वो भी चेंज होके हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा, पर ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे मूव करते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो कि है कि हैदराबाद के अंदर हैवी रेनफॉल के बाद टॉक्सिक फॉर्म अपीयर हुआ, किस वजह से हुआ देखते हैं। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल फॉर्म एक्युमुलेटेड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद ऑन वेडनेसडे आफ्टर हैवी रेनफॉल द प्रीवियस डे। एक दिन पहले ये टॉक्सिक फॉर्म अपीयर होने से पहले बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी हैदराबाद के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से ये सारा उसके अगले दिन ये टॉक्सिक फॉर्म अपीयर हो गए और जो लोकल्स हैं उनको बहुत इनकन्वीनियंस हुई इस चीज़ को लेकर। और उन्होंने ये बोला है कि जो सीवर पासिंग है बिसाइड्स कॉलोनीज वो मिक्स हो गए, आके केमिकल वेस्ट जो निकलते हैं इंडस्ट्रीज में से, उसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ की तरफ। न्यू 3D इमेज ऑफ मून सरफेस, मून की सरफेस की 3D इमेज रिलीज करी है इसरो ने। इसरो ने ट्यूसडे को शेयर करी 3D इमेज ऑन चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर फ्रॉम द साउथ पोल। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल रीजन में लैंड कर चुका है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुद में ही इंडिया के लिए, ठीक है। और उन्होंने इसरो ने ये रिकमेंड किया है कि ये जो इमेज है वो 3D में तभी दिखेगी जब हम रेड गॉसियन ग्लासेस इसको देखेंगे, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं तो डेलीगेट्स ऑफ G20 समिट टू बी सर्व्ड इन सिल्वरवेयर एंड गोल्ड यूटेंसिल्स के अंदर जो भी G20 के डेलीगेट्स, मतलब जो भी G20 के अंदर कंट्रीज आती हैं उनको फूड सर्व करा जाएगा सिल्वरवेयर और गोल्ड के यूटेंसिल्स के अंदर, जो कि हमारी होने वाली है, शेड्यूल्ड हुई है कि दिल्ली में होगी 9th and 10th को, ठीक है। और इसमें 15,000 सिल्वरवेयर क्राफ्ट करे गए हैं किसके द्वारा, 200 आर्टिसंस के द्वारा इनको बनाया गया है सिर्फ हमारे G20 के सम्मिट के लिए, ठीक है, स्पेशली। और तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जापान्स मून स्नाइपर मिशन लॉन्च होगा आज 7th of September को, जिसका नाम है स्लिंग और जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, निकनेम दिया गया है इसको मून स्नाइपर, जो थर्सडे को 7 सितंबर को लॉन्च होगा, यानी आज। मिशन स्केड्यूल करा था 28th of August के लिए पर उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्यों, बैड वेदर की वजह से, ठीक है। स्लिम हूज मेन ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट प्रेसिजन लैंडिंग, प्रेसिशन लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करा गया है ये मिशन, करा जाएगा, मतलब हो गया कि जो एक्यूरेट होती है -10 या +10 inches के अंदर, और उसको अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो लूनर लैंडिंग में फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाएगी ये जापान की, और ये लॉन्च के 4 months बाद लैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन एम्ब्रियो क्रिएट करा गया है विदाउट स्पर्म और एग के द्वारा इजराइल के अंदर, ठीक है, विजमन इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया गया है इसको, और एक इसके द्वारा बनाया गया है स्टेम सेल कल्चर करा गया है लैब में, उसके द्वारा ये बनाया गया है, इसको बाहर ही ग्रो करा है, वॉर्म के बाहर ग्रो करा है इसको 14 दिन के लिए, फिर इसको कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया है ये, अब इमिटेट्स ऑल द की स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो, उसके अंदर जो भी की स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर वो सारे सब कुछ हैं। बस यही था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, ठीक है, और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।